Divya Sharma, www.myfitnessbeauty.com. Hello friends, welcome to my YouTube channel. मैं हूँ दिव्या शर्मा. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारी डाइट और एक्सरसाइज का हमारी लाइफ में कितना पार्ट है, हमें हेल्दी रखने में, ये कहें तो हमें फिट रखने में. 80% हमारी डाइट काम करती है. हम डाइट तो ले लेते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज है जो वो तो रेगुलर कर रहे हैं. जितनी भी एक्सरसाइज, शायद हम अपनी एफर्ट से भी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते. इन सब के पीछे डाइट प्लान बहुत ज़्यादा काम करता है. आज मैं आपको ऐसी ही प्रॉपर डाइट बता रही हूँ जिसके थ्रू आप अपनी हेल्थ को, अपने आप को फिट रख सकते हैं. क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि हमारी लाइफ में 80% डाइट काम करेगी और 20% एक्सरसाइज हमें फिट रखने में, हमें पतला रखने में, मोटापे को घटाने में. इसलिए आज मैं आपको परफेक्ट डाइट बता रही हूँ जिसके थ्रू आप अपने आप को पतला रख सकते हैं. अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की. एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, हम ब्रेकफास्ट नहीं लेना सबसे गलत है, और ब्रेकफास्ट को बहुत हैवी लेना उससे भी गलत है. यानी कि ये दोनों ही चीजें गलत हैं. तो आइए बात करते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट में फैट को लूज करने के लिए, यानी अपने वेट को लूज करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें खानी चाहिए. मोस्टली लोग क्या करते हैं, ब्रेड खाते हैं, परोठे खाते हैं, कुछ इन चीजों को लेते हैं जिससे उनका फैट बढ़ता जाता है. बेशक वो ये कह दें कि हम बहुत कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में लेना ये बात को शो नहीं करता कि आप पतले हो रहे हैं. आपको ऐसा फूड लेना है जो फाइबरफुल हो और उसमें कैलोरी बहुत कम हो. तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप ब्रेकफास्ट में दलिया या ओट्स, इन दोनों में से कोई भी चॉइस करें. एक दिन दलिया, एक दिन ओट्स खा रहे हैं, कोई दूध वाला बनाए, नमकीन बनाए, जैसे भी, लेकिन आपका ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए वो ओट्स और दलिया ही होना चाहिए. चाहे आप इसे पेट भर के भी खा सकते हैं. अगर आप चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं तो आप ग्रीन टी ही पिए. इसके बाद अपने बात करते हैं लंच की.